गुड मॉर्निंग। और आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फैक्टराइज करना है, जो टर्म दिया गया है उसको फैक्टराइज करके आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पर जो दिया है टर्म उसको आप गौर से देखें कि इसमें एक्सपेंशन आपको दिखाई पड़ रहा है। ये एक्सपेंशन आपके किस फार्मूले पर बेस्ड हो सकता है, जो आपको आइडेंटिटी के फार्मूले बताए गए हैं उनमें से किस फार्मूले पर ये बेस्ड हो सकता है। तो आप पाएंगे कि इसमें अधिक टर्म है, 3 से 4 टर्म से अधिक टर्म है। ये एक्सपेंशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन हो सकता है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के एक्सपेंशन का रूप देने का आप प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात कौन सी है कि यहाँ पे जो कुछ टर्म आपको माइनस के दिखाई पड़ रहे हैं, माइनस का टर्म यहाँ पर एक्स वाई में है और यहाँ एक्स जेड में है। एक्स वाई और एक्स जेड में कॉमन टर्म कौन सा हो गया, एक्स कॉमन हो गया। इसका मतलब है कि इस पूरे लाइन में जो एक्सपेंशन है उसमें एक्स नेगेटिव है। जो टर्म माइनस हो गए, जैसे एक्स वाई में माइनस है सामने, एक्स जेड में माइनस है, दोनों में जो कॉमन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन क्या हो गया, एक्स। इसका मतलब हो गया कि एक्स नेगेटिव है। तो आप इसी के अनुसार एक्स को नेगेटिव कर देंगे। इसको हम होल स्क्वायर में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। 2x² को हम अगर होल स्क्वायर में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, -√2x² माइनस। हमने इस कॉमन पोर्शन से फाइंड किया है कि माइनस कहां पर लगेगा, यहाँ एक्स के टर्मों में माइनस का वैल्यू लिखा जाएगा। तो -√2x² हो गया। इसको जो है एक्सपोनेंट का रूप देने पर हमें क्या मिल जाएगा, वाई का होल स्क्वायर। और इसको अगर हमें होल स्क्वायर लिखना हो 8z², तो आप पाएंगे 2√2 का होल स्क्वायर 8 के बराबर होता है। 8 को फैक्टराइज अगर करें तो 2 × 2 × 2 यानी 4 को तो हम 2 लिख देंगे और 8 को हमें अंडर रूट में कर देना होगा। 2√2 इसका जो है होल स्क्वायर लिखा जाएगा, 2√2z² और फिर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू प्राप्त हो गई। और इस फार्मूले से हम लिख देंगे 2x की वैल्यू, वाई की वैल्यू, और मल्टीप्लाई करने पर देख रहे हैं कि आपको ये टर्म प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार 2yz की वैल्यू रख देंगे और 2zx की वैल्यू रख देंगे और मल्टीप्लाई करके चेक करके आप देख लेंगे कि ये टर्म आपको मिल रहा है कि नहीं टर्म मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आपका ये फैक्टराइज सही है। और फिर जैसा रूप आपने दिया, ये रूप कैसा हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के फार्मूले पर बेस्ड हो गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx और इसी के रूप का हो गया। और इसको हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप एक्स वाई जेड की वैल्यू देख रहे हैं और यही इसका फैक्टराइज हो गया। पावर 2 होने पर इसको आप 2 बार भी लिख सकते हैं, चाहे आप अपना आंसर यहीं पर छोड़ दें, चाहे इसको अगले लाइन में इसको 2 बार ब्रैकेट को सेम ब्रैकेट को लिख सकते हैं। ये हुआ आपका फैक्टराइज। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन करने के लिए आज हम आपको 2 फार्मूले और दे रहे हैं, आइडेंटिटी के ही फार्मूले हैं। हमने आपको टोटल 4 फार्मूले बताए हैं अभी तक, 2 फार्मूले आज आपको बताए जा रहे हैं और इन दोनों फार्मूलों का भी इस्तेमाल होगा। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ये दोनों फार्मूला है जो आपको बहुत ही, जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक आपका ये फार्मूला काम करेगा और ये फार्मूला आपको हर हालत में याद हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप देखें, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल होता है x³ + y³ + 3xy (x+y) और x - y का होल क्यूब इज इक्वल होता है x³ - y³ - 3xy (x-y) ये दोनों x+y के होल क्यूब, x - y का होल क्यूब, ये दोनों एक्सपेंशन के फार्मूले हैं। इसको इस फार्मूले की सहायता से आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी पर बेस्ड आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको वैल्यू बतानी है 2x + 1 पे पावर 3 का। 2x + 1 होल क्यूब का जो है
फार्मूला आपके पास है, यानी एक्स प्लस वाई का फार्मूला, एक्स की वैल्यू यहाँ 2x और वाई की वैल्यू यहाँ 1 दिखाई पड़ रही है, उसी से हमने इसको एक्सपेंड किया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और सॉल्व करने पर रिक्वायर्ड वैल्यू आपको मिल रही है 8x³ प्लस 1 प्लस 12x² प्लस 6x, जिसको सिस्टमेटिक वे में लिखने पर आपको क्या मिल रहा है, 8x³ प्लस 12x² को हमने पहले लिख दिया प्लस 6x और कांस्टेंट को सबसे लास्ट में कर दिया। ये आपका सिस्टमेटिक वे में हो गया रिक्वायर्ड आंसर। और इसी प्रकार नेक्स्ट पार्ट आप देखें, 2a-3b का पावर 3, यहाँ फार्मूला जो यूज किया जाएगा वो x-y का होल क्यूब का फार्मूला होगा, x³-y³ का फार्मूला, सॉरी x-y का होल क्यूब का फार्मूला, x³-y³-3xy ब्रैकेट में x-y, इस फार्मूले के इस्तेमाल जो है हिसाब से हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया और सॉल्व करने पर हमें ये वैल्यू प्राप्त हो रहा है और रिक्वायर्ड वैल्यू आपको 8a³-27b³-36a²b+54ab² जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू हो गया। यहाँ पर आपने देखा दो नए फार्मूले आज आपको दिए गए, ये दोनों फार्मूले आपको बिल्कुल पूरे तरीके से लर्न होने चाहिए। इससे पहले भी हमने 4 आइडेंटिटी के फार्मूले दिए हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x-y का होल स्क्वायर, x²-y² और x+y+z का होल स्क्वायर, ये 4 फार्मूले दिए गए थे। इसके बाद हमने 2 फार्मूले और दिए हैं और इन दोनों 6 फार्मूलों को आपको याद रखना होगा और इसको साफ करना होगा। दैट्स ऑल।